हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज वेंसडे बुधवार 5 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 27। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन इंग्लिश में चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे दिए गए टाइटल पर क्लिक करना है। जैसे आप टाइटल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, जिसमें जो पहला लिंक है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर आपको लिंक मिलेगा, जिसपे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इंग्लिश में वर्कशीट का आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप इस जगह पर अपना नाम फिल कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपके कक्षा अध्यापक है उनका नाम आप इस जगह पर लिख लेंगे। तो चलिए अब सीधा चलते हैं वर्कशीट पे और देखते हैं कि आज हमें वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो हमें वर्कशीट में दिया है कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत में सरकार 3 स्तर पर बटी हुई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें बताया गया है कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, जिसमें सरकार जो है वो 3 स्तर पर बटी होती है। ठीक है, सबसे पहले स्तर पे होती है केंद्र सरकार, जो पूरे भारत पर शासन करती है। उसके बाद राज्यों के हिसाब से होती है राज्य सरकार, और राज्य के अंदर जब बात करते हैं जिलों की या गांव की, तो वहां पर शासन करने के लिए एक अलग व्यवस्था होती है, जिसको कहा जाता है स्थानीय निकाय। अब यहां पर हमें केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख मंत्रियों के नाम नीचे दिए गए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। जिसमें सबसे पहले है आपका प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश मंत्री है श्री एस जयशंकर। उसी प्रकार से वित्त मंत्री, ठीक है, कौन है इंडिया के? तो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। उसके बाद रक्षा मंत्री देखते हैं, रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। और फिर हैं गृह मंत्री, और गृह मंत्री कौन है भारत के? श्री अमित शाह। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रमुख मंत्री हैं जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। तो इसी प्रकार आप दिल्ली राज्य के विषय में निम्नलिखित जानकारी को भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केंद्र सरकार के बाद अब यहाँ पर हमें दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्रियों के नाम नीचे पूछे गए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, जो भी मंत्री हैं उनके नाम है हमें इस दिए गए सर्कल में फिल करने हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा इसके आंसर पर देखते हैं और इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सर्कल है उसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उसके बाद हमारे सेकंड नंबर पे यहाँ सर्कल दिया हुआ है, जिसमें हमसे पूछा गया है स्वास्थ्य मंत्री, कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, उनका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे आंसर में देखिए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री सत्येंद्र जैन। ठीक है, तो हमारे दिल्ली प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री सत्येंद्र जैन। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सर्कल है उसमें हमसे पूछा गया है शिक्षा मंत्री, कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है बच्चों, आप जैसा सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री मनीष सिसोदिया जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे मनीष सिसोदिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमसे पूछा गया है खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, मतलब कि दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री कौन है। तो देखते हैं इसका आंसर, कि दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं श्री इमरान हुसैन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? श्री इमरान हुसैन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमसे पूछा गया है कानून मंत्री, कि दिल्ली के कानून मंत्री कौन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है, कि हमारे दिल्ली के कानून मंत्री हैं श्री कैलाश गहलोत। ठीक है, तो आप श्री कैलाश गहलोत जी का नाम इस वाले सर्कल में फिल कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने सबके नाम तो जान लिए हैं, लेकिन आपको ये सिर्फ वर्कशीट सॉल्व करके और अपनी कॉपी में नहीं करनी, बल्कि आपको ये सभी नाम याद भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, और अगर दिल्ली प्रदेश की बात करें तो शिक्षा मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, जिसे कोई भी आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। तो बच्चों यही थी आज की आपकी वर्कशीट। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि आपको वर्कशीट को सॉल्व करने में मजा आ रहा है, और साथ में ये भी हमें पता चल सके कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे कल बृहस्पतिवार को एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।